जंगल 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 खतरा खतरा जंगली जानवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। खतरे से भरा बल खाता रास्ता और अकेला सफर, आप सोचिए कैसा आलम होगा। जंगल का सफर शुरू करने से पहले मुख्तसर तफसील आपके लिए। जंगलात पाकिस्तान का एक अहम शोबा है। पाकिस्तान के कुल रकबे का सिर्फ 4% जंगलात हैं, जो ज़्यादातर शुमाली हिस्से में वाक़ हैं। पाकिस्तान में जंगलात से मुख्तलिफ किस्म की अशिया हासिल की जाती हैं, जिनमें लकड़ी, तिब, लेटकस, फ्यूल वुड और कागज़ जैसी अहम अशिया शामिल हैं। इसके अलावा जंगलात बहुत से इंसानों और जानवरों की खुराक का ज़रिया है। जंगलात जानवरों की ज़िंदगियों को तहफ़ देते हैं और इंसानी सेहत में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। जो इलाके जंगलात के ज़्यादा करीब होते हैं, उनमें बाकी इलाकों की निस्बत बीमारियां बहुत कम पाई जाती हैं। इसके साथ जंगलात माहौल को आलूदगी से पाक रखते हैं। मरी पहाड़ी इलाका होने के अलावा ज़्यादातर इलाकों में जंगलात मौजूद हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट से होते हुए दूसरी तरफ जो जंगल मौजूद है वहाँ की सैर करवाऊँगा, जहाँ शाम के वक्त जाना सख्त मना है, जिसकी वजह खतरनाक जंगली जानवर हैं जो रात होते ही खुराक की तलाश में निकलते हैं। एडवेंचर के शौकीन इन इलाकों की सैर करने ज़रूर जाते हैं। जब मैं जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते तक पहुंचा तो शाम के 5 बजने वाले थे। वहां के मकामी शख्स ने मुझे जंगल जाने से मना किया और कहा, इस वक्त जंगल जाना खतरनाक है, मगर मैं अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा और रास्ते में मिलने वाले हर शख्स से जंगल के हालात पूछता तो लोग कहते वापस आ जाओ, आगे मत जाओ, मगर मैंने फिर भी अपना सफ़र जारी रखा। चढ़ाई उतराई की वजह से रास्ता बहुत दुश्वार था, जिसकी वजह से सांस चढ़ गया और एक जगह मैंने जंगली भैंसे को देखा तो डर महसूस होने लगा। सफ़र फिर भी जारी रखा तो एक जगह ऐसी आई कि लोगों की आवाज़ें आने लगी, बहुत से लोगों की आवाज़ें जैसे आर्मी की ट्रेनिंग में आती हैं। मगर आस पास कुछ भी नज़र ना आया तो डर मज़ीद बढ़ गया। आगे से हुआ है? कितना? 10 मिनट का है? और है आगे पीछे उधर कोई? अल्लाह अकबर।
कितने रह गए पीछे लोग? आ जाओ वापस। वापस आ जाएं। सलाम अलैकुम बुजुर्गों, पीछे कितने लोग रह गए? पीछे तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। कितनी दूर है ये? साफ है ये। और चेयर लिफ्ट का टाइम कितने बजे तक है? चढ़ाई उतराई की वजह से रास्ता बहुत दुश्वार था, जिसकी वजह से सांस चढ़ गया और एक जगह मैंने जंगली भैंसे को देखा तो डर महसूस होने लगा। सफ़र फिर भी जारी रखा तो एक जगह ऐसी आई कि लोगों की आवाज़ें आने लगी, बहुत से लोगों की आवाज़ें जैसे आर्मी की ट्रेनिंग में आती हैं। मगर आस पास कुछ भी नज़र ना आया तो डर मज़ीद बढ़ गया। हर तरफ जंगल था और वहाँ मैं अकेला। आप भी गौर से ये आवाज़ें सुने, बाद में क्या हुआ आपको बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।